दिल्ली के चुनावी रण में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पायलट ने मॉडल टाउन इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी आकांक्षा ओला के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी कोशिश की थी, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि टेलीविजन और अखबार में विज्ञापन देने के सरकार नहीं बनती है, जनता तो विकास चाहती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सब ने बहुत मान सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। बजट आने से पहले मैं जानता था वो क्या लाइन आने वाला है। दिल्ली के साथ धोखा किया, दिल्ली वालों को कुछ मिला नहीं और ये और वो। इसलिए आप लोगों को नई सोच के साथ एक नए उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देना है और मैं हमारे तमाम साथी जो हमारे प्रदेश राजस्थान से आए हैं, दिल्ली के सब लोग यहां मौजूद हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपना विश्वास, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद, अपना वोट आप कांग्रेस पार्टी को दो, आकांक्षा जी को जिताकर भेजो और दिल्ली के विधानसभा में बैठकर ये हर समय आप लोगों से हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं और मैं भी हमारे तमाम साथी, हमारी मंत्री है ममता जी, विजय दोला साहब, हम सब काम छोड़कर यहां आपके बीच में इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों से निवेदन कर सकें कि अच्छे लोगों को, साक्षरी के लोगों को, मधुर भाषा बोलने वाले लोगों को आप जिताकर भेजोगे तो आपके क्षेत्र का भी नाम और मान सम्मान बढ़ेगा। अब ऐसे भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, असंतुलित बात बोलते हैं, हमारी परंपरा ही नहीं रही। राजनीति में लोग भाषण सबका सुन लेते हैं लेकिन अंत में बटन उसका दबाते हैं जो गलत। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।